हाँ जी, तो अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रिसर्च एंड दी मैनेजर, मतलब रिसर्च के अंदर मैनेजर का क्या रोल है। ये लेक्चर नंबर 2 है रिसर्च के टॉपिक पे। पहले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्क्राइब किया था व्हाट इज़ रिसर्च, और फिर रिसर्च को हम लोगों ने डेप्थ में जा कर देखने के बाद हम लोगों ने बिजनेस रिसर्च देखा था। आज की इस वीडियो में हम रिसर्च एंड दी मैनेजर देखेंगे। इसको समझने के लिए आपको वीडियो लास्ट तक लाजमी देखनी होगी। अगर आप लोगों को कुछ समझ नहीं आती तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और बता सकते हैं कि नेक्स्ट आपको किस सब्जेक्ट से रिलेटेड, किस टॉपिक पे रिलेटेड आपको कोई भी उसका लेक्चर चाहिए। ठीक है, चले आए शुरू करते हैं अपने लेक्चर को बिना टाइम वेस्ट किए। The managers encounter big and small problem on a daily basis which they have to solve by making the right decision। ये कह रहे हैं कि मतलब जो managers होते हैं ना, उनको ना organization के अंदर big और small problems ना हर रोज़ face करनी पड़ती हैं। तो वो जो भी उन्हें अच्छे तरीके से मतलब decision making का उसकी अच्छी है, उसके पास skills अच्छी हैं, तो वो उस छोटी छोटी problem को solve करता है। जब वो छोटी problem minor problems को solve कर लेते हैं ना, तो देन उसके पास फिर जो बड़ी कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है ना, तो उसका सलूशन उसे ढूंढने में ज़रा भी मतलब ना थोड़ा टाइम नहीं लगता। थोड़ा सा वो सोचेगा, ठीक है, उसके ऊपर फ़ौरन इनिशिएटिव मतलब कोई भी डिसीजन ले लेगा। ठीक है, इन बिजनेस रिसर्च इज यूजली कंडक्टेड टू सॉल्व प्रॉब्लमेटिकल इश्यूज इन द एरिया ऑफ अकाउंटिंग, फाइनेंस, मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग। वो कह रहे हैं कि ज़्यादातर जो बिजनेसेस होते हैं ना, उसमें ना मतलब मेजर जो हमारे पास प्रॉब्लम्स आती हैं ना, वो अकाउंटिंग में आ जाती हैं, फाइनेंस में आ जाती हैं, मतलब हर एरिया ऑफ प्रोडक्शन है मतलब अगर आपके पास, तो उसके अंदर कोई भी आपके पास अगर आ रही है ना प्रॉब्लम, तो वो बिजनेस प्रॉब्लम कहलाएगी, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है, इस वजह से वो बिजनेस रिसर्च है। ठीक है, उसके ऊपर जब हम लोग उसका जो भी हमें प्रॉब्लम है ना, उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई करने के बाद उसके सलूशन तक जो भी गैदर डाटा करेंगे, उसके ऊपर सिग्निफिकेंट करेंगे, सिग्निफिकेंस लेवल देखेंगे, हाइपोथेसिस देखेंगे, उसके ऊपर जब रिसर्च कंडक्ट करेंगे, तो वो बिजनेस रिसर्च है। इट्स ओके, आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। हाँ जी, तो उसके आगे हम लोग चलते हैं टाइप्स ऑफ बिजनेस रिसर्च। बिजनेस की कितनी टाइप्स हैं, ठीक है, इसमें ना डिफरेंट पर्पस मतलब जो बिजनेस रिसर्च की टाइप्स हैं ना, वो दो तरह की होती हैं। एक अप्लाइड रिसर्च होती है और एक बेसिक रिसर्च होती है। ठीक है, जिस पे जो अप्लाइड रिसर्च होती है ना, इसमें हम लोग कोई भी अगर हमारे पास प्रॉब्लम है ना, तो उसको हम लोग अप्लाई करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अपनी जो भी आपका स्पेसिफिक एरिया है, स्पेसिफिक जहाँ पे प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है, वहाँ पे हम लोग उसे अप्लाई करते हैं। तो ये अप्लाइड रिसर्च हो जाएगी, अप्लाइड रिसर्च हो जाएगी। और बेसिक रिसर्च के अंदर हम लोग किसी प्रॉब्लम का इशू आइडेंटिफाई नहीं करते, या हम किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए इसे कंडक्ट नहीं करते। ये जो हमारे पास बेसिक रिसर्च होती है, ये हम लोग वैसे भी आम मतलब अपने एजुकेशन को, इंफॉर्मेशन को एक्सटेंड करने के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं। कि अगर आपने देखना है जी हमारी सेल क्यों डिक्रीज हो रही है, या फिर हमने कोई चीज़ फॉर एग्ज़ाम्पल, चले हमें आपको एक इसकी एग्जाम्पल देती हूँ कि अगर आपने कोई बिज़नेस लॉन्च करना है, ठीक है, अगर अपना बिज़नेस ओपन करना है, तो सबसे पहले आप उसके बारे में देखेंगे कि उसके लिए कौन सी जगह ठीक रहेगी, ठीक है, कौन सा आप प्रोडक्ट ऑफर करेंगे, उसके बाद कौन सी लोकेशन अच्छी रहेगी, कितने एम्प्लॉयज़ होने चाहिए, मैनेजर कौन होना चाहिए, कितने डिपार्टमेंट्स होने चाहिए, सारी इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन होगी वो बेसिक रिसर्च होगी। ठीक है, क्योंकि अभी आप उस चीज़ को यूज़ नहीं कर रहे, अभी आप सिर्फ उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। अगर तो आपको वो ठीक लगेगी, देन आप उसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, अगर आपको वो मतलब सजेशन नहीं ठीक लगा, मे भी उसे इम्प्लीमेंट करते हुए 2-3 साल लग सकते हैं, तो ये हमारे पास बेसिक रिसर्च हो जाएगी। ठीक है, हाँ जी, तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है एग्जांपल्स। आप लोग देखने के बाद देखेंगे कि मैनेजर एंड रिसर्च वही चीज़ जो हमने पहले पढ़ी है, उसको वो करेंगे। जो माइनर प्रॉब्लम होती हैं और जो मेजर प्रॉब्लम होती हैं, उनको मैनेजर किस तरह देखता है। ठीक है, नॉलेज ऑफ रिसर्च एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस हेल्प मैनेजर टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम सिचुएशन बिफोर दे गेट आउट ऑफ कंट्रोल। मतलब जो नॉलेज होते हैं ना हमारे पास, वो रिसर्च में प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब जब हम लोगों को
प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है तो उसमें हमें हेल्प करता है मैनेजर्स को कि वो आइडेंटिफाई करें अपने प्रॉब्लम को और उसका सलूशन ढूंढें। ठीक है, माइनर प्रॉब्लम्स जो उनसी होती हैं उसे मैनेजर जो हैं फौरी से मतलब सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन मेजर प्रॉब्लम जो होती हैं उसके लिए या तो आप किसी एक्सपर्टिस को हायर करते हो या फिर कोई आपके पास स्पेशलाइज्ड वर्कर्स हैं तो उनको आप कंसल्टेंट के साथ मिला के जो कि आउटसाइड से आते हैं तो वो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो। ठीक है, इसके अंदर आ जाते हैं हम। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल कंसल्टेंट या रिसर्चर। ठीक है, इसमें वो हमें बता रहे हैं कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो होती है ना उनका अपने से एक रिसर्च डिपार्टमेंट होते हैं जिसे हम लोग कहते हैं तीन नामों से पुकारते हैं, या तो दी मैनेजमेंट सर्विस डिपार्टमेंट हम कहते हैं, वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन एंड मेथड्स डिपार्टमेंट होता है। ठीक है, फिर इसके बाद रिसर्च एंड डिवेलपमेंट डिपार्टमेंट होते हैं। अब आप देखेंगे अब ना मतलब इस तरह का वो चलने शुरू हो गया हुआ है कि छोटी से छोटी ऑर्गेनाइजेशन भी अपना एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट बना के तो देन वो एग्जीक्यूट करती है। ठीक है, आगे आ जाते हैं हमारे पास कि ये जो डिपार्टमेंट होते हैं ना इनका काम होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई भी प्रॉब्लम आ गई है ना इंटरनल, तो वो जो उनके पास इंटरनल कंसल्टेंट होते हैं स्पेशलाइज्ड स्किल्स के जो पर्सन होते हैं मैनेजर्स होते हैं उस प्रॉब्लम्स के ऊपर नेगोशिएट करके तो उस प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढते हैं। ठीक है, फिर वो हमें कह रहे हैं कि एडवांटेजेस ऑफ इंटरनल रिसर्चर और डिसएडवांटेज, ऐसी बात है अगर कोई चीज़ है तो उसके पॉन्स एंड कॉन्स ज़रूर होंगे। ठीक है, कि मतलब उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हर चीज़ के होते हैं। ठीक है, इसमें वो हमें बता रहे हैं कि द इंटरनल रिसर्चर हैव बेटर चांस टू बींग रेडिली एक्सेप्टेंस बाई द एम्प्लॉयज, मतलब जो इंटरनल रिसर्चर्स हमारे होते हैं ना ये मतलब बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, कि मतलब एम्प्लॉयज़ के अंदर उनके वो ये नहीं होता कि ये फ्लावा इस तरह है वो, मतलब जो अगर आप बाहर से किसी को बुलाएंगे वो एक्सेप्टेंस में थोड़ी सी देर लेगा, तो जो ये होते हैं ये अपने एम्प्लॉयज़ को अपने साथ लेके चलते हैं। ठीक है, दी टीम वुड रिक्वायर्स मच लेस टाइम टू अंडरस्टैंड दी स्ट्रक्चर दी फिलॉसफी एंड क्लाइमेट एंड वर्क सिस्टम ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन, जो इंटरनल लोग होते हैं ना ये आपके ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को पहले से अंडरस्टैंड करते होते हैं, फिलॉसफी वो लोग समझते होते हैं और जो वर्क सिस्टम चल रहा होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो इससे बहुत अच्छे से वाकिफ़ होते हैं। एक एडवांटेज होता है जो टाइम एक्सटर्नल को लगना होता है कि वो इस चीज़ के ऊपर टाइम ज़ाया करेगा, वो इंटरनल उसके ऊपर अच्छे से अपनी वो रखता है एक्सपर्टीज रखता है। ठीक है, उसके बाद अभी एडवांटेजेस की बात है, दे वुड बी एबल टू इम्प्लीमेंटिंग देयर रिकमेंडेशन आफ्टर द रिसर्च फाइंडिंग आर एक्सेप्टेड, मतलब जब वो रिसर्च करते हैं तो वो इसे रिकमेंडेशन देते हैं कि वो जो भी उन्होंने रिसर्च किया है उसे इम्प्लीमेंट कर देते हैं इसीलिए। ठीक है, दी इंटरनल टीम माइट कॉस्ट कंसिडरेबल लेस देन दी एक्सटर्नल टीम, और जो ये जो हमारे पास इंटरनल कंसल्टेंट होते हैं ना ये लेस कॉस्ट के पर हम लोगों को मतलब मिल जाते हैं, और अगर हम लोग उन्हें बाहर से बुलाना है तो वो हमारे हमें कॉस्टली पड़ता है। ठीक है, डिसएडवांटेज जो है इंटरनल रिसर्चर के वो हैं कि दे माइट हैव लेस फ्रेश आइडियाज, मतलब जब एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रह के आप लोगों ने प्रॉब्लम्स को देखना है दूसरे लोगों से नहीं मिलना या दूसरी ऑर्गेनाइजेशन वो इतने उनके पास आइडियाज़ नहीं होते तो वो फ्रेश आइडियाज़ आपके पास नहीं आते, जो एक्सटर्नल होते हैं वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाके अपने कंसल्टेंट की जो उनकी सर्विसेज होती हैं वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं तो देन उनके पास जो है फ्रेश आइडियाज़ बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं, अगर वो उनके पास एक तरीके से नहीं प्रॉब्लम सॉल्व हो रही तो वो दूसरा तरीके को अडॉप्ट कर लेते हैं। ठीक है, देयर इज स्कोप फॉर सर्टेन पावरफुल ग्रुप्स इन द ऑर्गेनाइजेशन टू इन्फ्लुएंस और मिसरिप्रेजेंट सर्टेन फैक्ट्स, और इसके ऊपर ना ये ग्रुप्स जो है ना दूसरों के ऊपर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इन्फ्लुएंस करने लग जाते हैं। और डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनल रिसर्चर की और कौन सी हैं, देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी डैट द इंटरनल रिसर्चर्स आर नॉट परसीव्ड एज एक्सपर्ट बाय द मैनेजमेंट एंड हेंस देयर रिकमेंडेशन डू नॉट गेट द कंसीडरेशन एंड अटेंशन बाय डिजर्व, फिर वो हमें वो कह रहे हैं कि सर्टेन हमने आगे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज देख लिए इंटरनल कंसल्टेंट के, अब हम लोग देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ एक्सटर्नल कंसल्टेंट।
they have a wealth of experience from having worked with different types of organization that have had the same and similar type of problems. मतलब वो कह रहे हैं कि इनके पास experience होते हैं कि different organization के अंदर वो जाके different तरह के जो problems होते हैं वो कुछ आप लोगों के साथ मिल रहे होते हैं, similar types of problems होते हैं, तो वो उनके solution कर बैठे होते हैं, इस वजह से उनके लिए ये मुश्किल task नहीं होता, ठीक है. They might have more knowledge of current sophisticated problem solving model through their ट्रेनिंग प्रोग्राम्स. इसमें वो हमें कह रहे हैं कि जो उनके पास करंट प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल्स होते हैं ना, वो डिफरेंट तरह के होते हैं, डिफरेंट तरह की ट्रेनिंग प्रोग्राम उन लोगों ने दिए होते हैं, तो इस वजह से वो उस चीज़ को जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं किसी भी प्रॉब्लम को. अब डिसएडवांटेजेस जो हैं वो एक्सटर्नल के वो हैं कि ये बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट भी मतलब लेते हैं आपसे. अगर आपने उनसे कोई एक प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो वो उसके आप वो आपको काफ़ी कॉस्टली पड़ सकती है. दे नीड ए कंसिडरेबल टाइम टू अंडरस्टैंड द ऑर्गेनाइजेशन टू बी रेज्ड. जैसे मैंने पहले आपको कहा कि उन लोगों को ज़रूरत होती है कि वो ऑर्गेनाइजेशन को पहले समझें, तो इसके ऊपर ही वो बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं. फिर उसके बाद दे सेल्डम गेट ए वार्म वेलकम नॉर आर एक्सेप्टेड बाई एम्प्लॉयज. ये जो है ना, अगर कोई उनसे कुछ चीज़ पूछता है तो वो उनको वेलकम नहीं करती और ना ही वो एक्सेप्ट करती हैं ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज को, ठीक है. दे चार्ज एडिशनल फीस फॉर देयर असिस्टेंस इन द इम्प्लीमेंटेशन एंड एवेल्यूएशन फीसेज. अगर उन्हें लग रहा हो कि यहाँ पे वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उनसे थोड़ा सा मतलब डिफर कोई सर्विसेज मांग रही है, तो वो उनसे जो है एडिशनल फीस उसकी जो चार्ज करते हैं, ठीक है. फिर एथिक्स आ जाता है, एथिक्स एंड बिजनेस है. एथिक्स ना किसी भी बिजनेस रिसर्च में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी हम लोग बिजनेस कंडक्ट करते हैं ना, तो हमें एथिक्स के ऊपर रह के अपने सर्वे फिल करवाने चाहिए, अपनी रिसर्च जो है उसे एंडिंग तक पहुँचाना चाहिए. ये नहीं कि किसी की मतलब पर्सनल लाइफ के ऊपर जाके, किसी के पर्सनल कमेंट्स के ऊपर, कि मतलब वो दूसरा उसे जवाब देते भी उसकी वैल्यूज़, उसके नाम्स, उसके जो मतलब एथिक्स के खिलाफ चीज़ें हैं उसके ऊपर हम लोग रिसर्च करते हैं, और उस हम जब उससे क्वेश्चन पूछें तो उससे बुरा लगे, ठीक है. ये था आज का हमारा टॉपिक. अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप कमेंट में लाजमी पूछ सकते हैं. थैंक यू सो मच.